लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में ताल ठोकने की तैयारी में हैं। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी के पति तेज प्रताप यादव रामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल रामपुर सीट आजम खान का गढ़ माना जाता है, लेकिन आजम खान के जेल जाने के बाद से समाजवादी पार्टी रामगढ़ से प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि जब अखिलेश सीतापुर जेल में आजम से मिलने पहुंचे थे तो आजम खान से अखिलेश ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की थी और ये चर्चा अभी सियासी फिजाओं में घूम ही रही थी कि अब खबर है कि तेज प्रताप यादव रामपुर सीट से मैदान में उतर सकते हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में हैं। ऐसे में सपा के सामने संकट खड़ा है कि रामपुर के रण में प्रत्याशी बनाएं तो किसे बनाएं? सपा के पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं, इससे पार्टी बहुत ज्यादा माथापच्ची के बाद भी इस सीट पर फैसला नहीं कर पा रही है। ऐसे में रामपुर से मैदान में कौन होगा, अखिलेश इसी उधेड़ बुन में है। बीजेपी ने तो रामपुर से अपना सूरमा घनश्याम लोधी को खड़ा कर दिया है, लेकिन सपा पसोपेश में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट से समाजवादी पार्टी लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकती है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव बुधवार को रामपुर सीट से नामांकन भी कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पोते और लालू यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। अगर तेज प्रताप को टिकट मिलता है तो यादव परिवार से वो पांचवें प्रत्याशी होंगे। इस बार परिवार की तरफ से डिंपल यादव, अक्षय यादव, शिवपाल सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव को टिकट मिल चुका है। गौरतलब है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी को लेकर मंथन किया गया, जिसके बाद यादव परिवार के ही किसी सदस्य को मैदान में उतारने की बात पर मोहर लगी। ये बताएं कि सीट पर आजम खान और उनके परिवार का दबदबा रहा है। जेल में रहने के बावजूद आजम खान 2019 का लोकसभा चुनाव यहां से जीते, लेकिन हेट स्पीच मामले में सजा याफ्ता होने के बाद जब संसदी चली गई तो उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी की जीत हुई। अब अपने गढ़ को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।